हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैगन, वेलकम टू मुकेश मैगन यूट्यूब चैनल। सो आज हमने एक बहुत ही बढ़िया लेंस परचेज किया है जो कि है 150-600 mm। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस लेंस का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, रिव्यू देखने वाले हैं, इसके जो फीचर्स है स्पेसिफिकेशन उसके बारे में देखने वाले हैं। सो दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये लेंस मैंने क्यों ली है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मैंने मेरा एडिटिंग का करियर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने क्रिएटिव मैनिपुलेशन करा था, उसके बाद में मैंने रीटचिंग स्टार्ट करी, उसके बाद में डिजाइनिंग स्टार्ट करी। जब मेरा ये एडिटिंग का फील्ड खत्म हुआ, मतलब जब मैं उसमें से बोर हो गया, तब मैंने कुछ नया करने के लिए फोटोग्राफी के अंदर एंट्री करी। फिर फोटोग्राफी के अंदर स्टार्टिंग में स्टूडियो फोटोग्राफी, फैशंस, वेडिंग्स, प्री वेडिंग्स, ये सारे काम करे। फिर तब जाके मुझे फिर से ऐसा लगा कि और कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए। तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, फिर यूट्यूब के अंदर वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, ये सारी चीजें सीखी। क्या होता है, जब भी कोई पर्सन एक कंटिन्यूसली एक ही चीज को करते जाता है तब वो उसमें बोर हो जाता है। और मुझे लगता है कि एज अ पर्सन, एज अ फोटोग्राफर, एज अ आर्टिस्ट, आपको हमेशा कुछ ना कुछ तो चीजें सीखनी चाहिए। एक्चुअली प्रोफेशनली देखा जाए तो आपको जो फील्ड है वो तो आपको करते ही रहना है, उसी के साथ साइड बाय साइड आपको कुछ ना कुछ तो चीजें सीखनी चाहिए। तो अभी मेरे माइंड में जो आइडिया आया है वो है एस्ट्रो फोटोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ का। तो अभी मैंने पर्सनली एस्ट्रो फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ और बर्ड फोटोग्राफी, ये सारी चीजें सीखने का एक डिसीजन लिया है, जिसके अंदर अभी मैंने एस्ट्रो के लिए एक लेंस परचेस किया है जो कि है 16mm 2.8, और जो बर्ड्स के लिए मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए जो मैंने लेंस लिया है वो है ये 150-600 mm। सो दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लेंस है ये टैमरॉन कंपनी का है, 150-600 mm। इसका जो मेन यूज होता है वो है बर्ड्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, उसी के साथ साथ अगर आप एस्ट्रो के लिए मून्स के वगैरह फोटो निकालना चाहते हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो अभी स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। एक्चुअली इसको टेस्टिंग के लिए हमने पहले ही खोला था, तो अभी री ओपन कर रहे हैं। ये जो है ये टैमरॉन की तरफ से इस लेंस के लिए शायद बैग है। ये है लेंस हुड और ये है हमारी लेंस। इसको अभी ओपन करके इसका जो मतलब बिल्ड क्वालिटी है और बाकी की सारी चीज़ें देखते हैं हम। सबसे पहले सही से पकड़ना ज़रूरी है। ये देखिए, इस बॉक्स को रखते हैं साइड में। सो अभी हम फाइनली बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो बता देता हूँ कि इसका जो पहला वाला वर्जन था जो कि था जनरेशन 1 भी बोल सकते हो, तो उसके कंपैरिजन में ये जो लेंस है काफी ज्यादा बेटर है बिल्ड क्वालिटी के मामले पे भी। तो इसकी जो बॉडी है वो है वेदर प्रूफ, मतलब अगर आप बर्ड फोटोग्राफी या फिर वाइल्ड लाइफ कर रहे हो तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग फीचर आप कह सकते हो। सो अभी हम बात करते हैं हमारे लेंस के बारे में। आप देख सकते हो इस लेंस के ऊपर ना यहाँ पे एक लॉक है। तो सबसे पहले मैं इस लेंस को अनलॉक कर रहा हूँ और इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जूमिंग हो रहा है। बट इस लेंस का एक अच्छा फीचर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि इस लेंस को किसी भी फोकल लेंथ पे लॉक करना तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप 300 पे शूट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका जो लेंस है वो 300 पे लॉक रहे, तो 300 पे रख के आपको इस पार्ट को स्लाइटली अपवर्ड मूव कर देना है। अब ये जो पार्ट है लॉक हो चुका है, अभी ये जो लेंस है बिल्कुल भी मूव नहीं होगी। अब अनलॉक कर रहे हैं तो सिंपली पीछे खींचना है, ये अनलॉक हो चुकी है। और अगर मिनिमम लेंथ पे लॉक करना है तो 150 पे रख के आप जैसे ही इसको लॉक करोगे तो ये लॉक हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम इसके फोकसिंग और जूम की जो रिंग्स है उसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो उसका जो स्मूथनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आप देख सकते हो लेंस जो जूम हो रहा है काफ़ी एकदम स्मूथ तरीके से हो रहा है। उसके बाद में इसका जो फोकस रिंग है इसका भी स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। अगर इस लेंस के बारे में और एक पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका जो मिनिमम फोकल लेंथ है वो है 2.2 meters, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बर्ड्स के अंदर शूट कर रहे हो और आपके सामने कोई भी एक बर्ड आ जाते तो भी आप उसका आसानी से शूट कर सकते हो, फोकसिंग के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पहले से शूट करते हो तो आपको पता होगा कि किसी भी लेंस के अगर एकदम सामने कोई चीज आ जाए तो उसको फोकस करना मुश्किल हो जाता है। और अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो 150-600 mm का इसका लेंथ है उसके मुकाबले देखा जाए इसका जो मिनिमम फोकल लेंथ है वो है 2.2 meters। तो अगर सडनली आपके सामने भी कोई भी बर्ड आ जाए तो भी आप इसको आसानी से फोकस कर सकते हो। तो फोकसिंग में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस स्विच को ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा दूर फोकस करना है तो आपको इन्फिनिटी पे रखना पड़ेगा, 10 meters के अंदर है तो 10 meters पे रखना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपका सब्जेक्ट 2.2 से 10 meters के अंदर है तो आपको यहाँ पे नीचे रखना पड़ेगा। उसके बाद में साइड में एक फोकसिंग का ऑप्शन है जो कि आपको पता ही होगा कि ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस। सो
सो दोस्तों, अगर मैं आपको हॉनेस्टली बताऊं तो इस लेंस को आज के पहले मैंने कभी भी यूज नहीं किया है। सो इसके बारे में ज्यादा मुझे डीप नॉलेज नहीं है, बट जिस तरीके से मैं इसको यूज करते जाऊंगा, जिस तरीके से मैं बाहर शूट के लिए जाऊंगा, उसी तरीके से आपको मेरे चैनल की तरफ से वीडियोज भी मिलती जाएंगी, जो मैं लाइव शूट करूंगा उस लाइव शूट के व्लॉग्स भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर सकूं, और उसी के साथ साथ टेलीफोटो लेंसेस, बर्ड फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ, इसके रिलेटेड जो कॉन्टेंट है वो भी इसके बाद में आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आज का ये जो वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको आने वाले वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेंस। इसी के साथ में हमने और भी एक लेंस परचेस किया है जो कि है 16mm 2.8, तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर बहुत ही जल्दी आने वाला है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।